से आने जाने वाले लोगों का बलिया बस स्टैंड पर पहुंचे जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक और डॉक्टरों की पूरी टीम, एक लोगों का मेडिकल परीक्षण तक उनको उनके घर तक भेजा गया। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद रोडवेज बस पर मौजूद सभी यात्रियों को निर्देश भी दिया जा रहा है कि वे अपने घर पहुंचकर घर के अंदर ही रहेंगे, अगर घर के बाहर निकले तो उनके और खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड पर भूखे प्यासे आए लोगों को खाना भी खिलाया गया। भाव से आए हैं, कोई संगठन कुछ नहीं है, हम लोग बस अपने दो चार दोस्त मिल के गुरुद्वारा रोड से आए हैं और दूसरे दिन से ही अभी तक हम लोग का जारी है और उम्मीद करते हैं कि 40 दिन 50 दिन तक हम ये सेवा करते रहेंगे। हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या यात्रियों को दे रहे हैं आप लोग? हर दिन अलग अलग खाना है, किसी दिन पूरी सब्जी है, किसी दिन वेज बिरयानी है, किसी दिन चावल छोला है, हजारों लोग को खिला दिए। डेली का हम लोग का टारगेट है कि दोनों टाइम मिला के 800-900 लोग, 700-800-900 लोग।